Hello guys, to all of you, all everyone, welcome to my YouTube channel Surya Study Center. तो guys, आज मैं बहुत important percentage का guys, मैं part 5 लेकर आया हूँ guys, इसमें बहुत important questions है guys, जो 2019 में RRB NTPC में पूछा गया है, यानी पूछा जाएगा guys, यानी कि purpose से है. ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. यहाँ पर चलते हैं गाइज क्वेश्चंस की ओर. तो गाइज आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर. यहाँ क्वेश्चंस कह रहा है गाइज कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर इज 3:4:5 रिस्पेक्टिवली इफ देयर इनकम इंक्रीज बाई 10%, 15% एंड 20%, देन फाइंड रेशियो ऑफ न्यू इनकम. आपको क्या गाइज क्या करना है, न्यू इनकम को फाइंड करना है. तो गाइज इसका सोल्यूशन साथ में लेकर आया हूँ गाइज, ताकि समय का बचत हो और क्वेश्चन आपका मतलब कि बहुत अच्छे हो. तो गाइज यहाँ मतलब कि 2-3 रेशियो दिया गया है, वो भी गाइज यहाँ आप देख रहे हैं पी. यहाँ पर गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पर पी क्यू एंड आर, आर दिया है गाइज. तो यहाँ तो गाइज दिया है कि 3:4:5, लेकिन यहाँ 0000000, यानी कि मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है गाइज. इसमें मैंने क्या किया है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है. 100 का मल्टीप्लाई किया है गाइज, तो यहाँ फर्स्ट रेशियो क्या कर रहा है, वो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है गाइज, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है. किस में हो रहा है, यानी पी में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 300 का 10% कितना होगा गाइज, 30 होगा. 30 ये तो 10% हुआ 300 का, और 300 उसमें ऐड कर दो 30, तो 330 हो गया गाइज. यहाँ पर नेक्स्ट गाइज है यहाँ 4, यानी 400 है गाइज, तो 400 पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो 400 का 15% आप निकालिएगा गाइज, तो कितना होगा, 60 होगा. 60 में प्लस 400 ऐड कर दीजिएगा, तो 460 हो गया गाइज. तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया. और 500 का 20% जब आप निकालिएगा, यहाँ 500 का 20% कह रहा है गाइज, तो 500 का 20% निकालिएगा तो कितना होगा, 100 होगा. जब 100 होगा प्लस 500 कितना हो गया गाइज, 600 हो गया. 600 यहाँ एक शून्य से एक शून्य जा रहा है गाइज, यहाँ जो जो एक शून्य से एक शून्य जा रहा है उसको कटा दो गाइज. यहाँ कितना होगा 33:46:60 हो गया गाइज. ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर सी हो गया. आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइज कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ अ क्लास विच हैज 40, 50 एंड 60 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली, आउट ऑफ विच 10%, 20% एंड 10% पासड रिस्पेक्टिवली, व्हाट परसेंट ऑफ द परसेंटेज पासड इन द होल क्लास. यानी कि गाइज कक्षा है, उसमें 3 सेक्शन है, जिसमें 40, 60 छात्र उसमें हैं गाइज, उन पर इतना परसेंट. यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर गाइज, यहाँ आप देख रहे हैं. तो गाइज यहाँ फर्स्ट में कितना कर रहा है, 40 का, यानी 10% आप निकालिए तो कितना हो गया, 4 हो गया. यहाँ 50 का आप 20% निकालिएगा तो कितना हो गया, 10 हो गया. यहाँ 60 का आप निकालिए कितना, 10% 6 हो गया. ये टोटल ऐड कर दीजिए गाइज, 40, 50, 90, 90 या 90 150 हो गया टोटल. इसको आप जब परसेंटेज जो रेशियो निकल गया, न्यू रेशियो आया है गाइज, इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा, 20 होगा. ये होगा 150 हो गया और 20 हो गया. यानी जो न्यू रेशियो है 20 पर कितने परसेंट का है, यानी पुराने रेशियो कितना है, 120 है. तो 20 का 120 परसेंटेज निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करें, यानी इसको कटाइएगा गाइज. यहाँ पे कटिंग किया गया है, कितना होगा, 40/3, और 40/3 कितना होता है,
13.33%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गाइज। गाइज हमारा जो ये सेशन अच्छा लगता होगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें गाइज, और अधिक से अधिक शेयर करें, इसका मतलब परिवार बने गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर मार्क्स देन बी, वी गॉट 10% लेस मार्क्स एंड सी, सी एंड सी गॉट 25% मोर मार्क्स एंड डी, डी गॉट 32, 3, 30, 20 आउट ऑफ 500 देन ए हाउ मनी मार्क्स। यानी गाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपको, यानी कि कोई परीक्षा है ए बी को इतना परसेंट, तो आप जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन विन कितना होता है 1/4, और 10% का फ्रैक्शन विन कितना होता है 1/10, और 25% का 1/4 होता है, तो जानते हैं एक सेक्शन यानी ए रेशियो बी क्या कह रहा है, ए रेशियो बी यानी जो ए है बी से कितना एक अधिक है, जब एक अधिक तो कितना हो जाए ए 5 हो गया और ए हो गया 4। बी रेशियो सी जो बी है वो सी से कितना है एक अधिक है यानी 10 हो गया रेशियो 10, 9:10 हो गया, यानी सी रेशियो डी 20% यानी 6, यानी सी क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है, सी में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक ऐड हो गया तो कितना हो गया 5:4 हो गया। यहाँ जो कटने वाला है सी, सी कट गया है, ये बी भी कट गया और यहाँ सी, सी कट गया। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो 5 दो बार में 10 कट गया, यहाँ कितना हो गया 9×5=45 45 हो गया, और चौ का 16×2=32 32 हो गया। तो गाइस आप देख रहे हैं हमें निकालना है क्या, ये हाउ मैनी मार्क्स यानी ए का मार्क्स निकालना है। तो गाइज आप यहाँ देख रहे हैं कि ए रेशियो डी कितना हो गया 45:32 हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू दिया है, यहाँ दिया है गाइज डी को 500 से इतना अधिक अंक मिलता है, 500 से इतना अधिक अंक मिलता है, यानी जो 32 है वो कितने के बराबर है 320 के बराबर, ये कितने गुना है 10 गुना है। तो उसी प्रकार से जो ए होगा वो ए भी होगा 10 गुना, तो कितना हो गया 450। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, बी, आपका राइट आंसर क्या होगा बी, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गाइज कि इन अ स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स आर इन इन द रेशियो ऑफ 2:3:2 इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू द टेक अ स्कॉलरशिप देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु डू नॉट टेक अ स्कॉलरशिप। यानी कि गाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसको, मतलब कि यहाँ पे स्कूल है, उस विद्यालय में दो लड़के मतलब कि लड़के और लड़कियों का जो रेशियो दिया है, यानी गर्ल देखो यहाँ दिया है गाइस आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ दिया है गाइस बी, बी मतलब बॉय और जी मतलब गर्ल हो गया है, 20 यानी 3:2 दिया है, तो मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लिया अंक अंकों यानी बढ़ाने के लिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं है गाइज कटा भी सकते हैं, 0 से 0 कट गया तो कितना है, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा गाइज 3:2 बचेगा, तो ये दिया है तो मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 30:20 हो गया। यानी जो गर्ल का कितने परसेंट है, बॉयज का कितने परसेंट 20%, बॉयज का 20% निकालिएगा तो कितना हो गया 6 हो गया, और गर्ल का जो निकालिएगा 30% तो इसका भी कितना हो गया 6 हो गया। टोटल गर्ल कितना है, टोटल बॉयज और गर्ल कितना है 50 है, और यहाँ पर न्यू रेशियो जब बन रहा है तो यहाँ पर कितना है 12 है, ये 12 है कितना अधिक हो रहा है गाइज 38 का अधिक हो रहा है, ये कितने पर हो रहा है 50 पे हो रहा है, तो 38/1 में क्या हो जाएगा 50×100 जब परसेंटेज निकालिएगा तो कितना हो गया आपका 76%, जब यहाँ से काट कूट के निकालिएगा 38×76 होता है गाइज 25×50 50×100 और 38×76 यानी गाइज कितना हो गया 76%। आपका आंसर क्या हो गया बी, बी इज द सॉरी गाइज डी होगा आंसर, तो डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो गाइज हमारे सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, बस यहीं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ गाइज।
तो देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज यहाँ एक मतलब कि भूल गया मैंने, यहाँ पे एक आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूँ गाइज, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या होगा गाइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइज, इसको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ गाइज, तो देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।